Hi students, how are you? I know all are fine. आज ना हम इंग्लिश सब्जेक्ट सीखेंगे, नोटबुक राइटिंग करेंगे. आज हम नोटबुक राइटिंग में आज हम वी ट्रेस करेंगे. वी फॉर वास. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रेस एंड राइट वी. वी फॉर वास. यहाँ पे मैंने जो डॉट्स करके रखे हैं ना, पहले हम उसको ट्रेस करेंगे. पहले यहां से हम स्लैंटिंग लाइन लेंगे, फिर यहां पे भी स्लैंटिंग लाइन. V for vase, slanting line. यहां पे भी हम slanting line करेंगे. V for vase. और क्या आता है students? V for van भी होता है ना. V for van, V for van, V for van, V for वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स पसंद है ना सबको. वी फॉर वेजिटेबल्स. पहले यहां पे हमें स्टार्ट, यहां पे स्टार्टिंग से स्लेंटिंग लाइन करनी है, फिर यहां पे भी स्लेंटिंग लाइन. वी, वी फॉर वेजिटेबल्स, वी फॉर वेजिटेबल्स. देखो ये जो मैंने डॉट्स किए थे ना, वो ट्रेस कर दिए हमने. अब यहाँ पे हम राइटिंग करेंगे. V for vase, स्लेंटिंग लाइन करनी है, यहाँ पे भी क्रॉस स्लेंटिंग लाइन. V, V for vase, V for vase, V for vase, V for वायोलिन. वायोलिन होते हैं ना, V for वायोलिन. स्लेंटिंग लाइन करनी है, यहां पे भी स्लेंटिंग लाइन. V for वायोलिन, V for वायोलिन, V for वायोलिन. ओके ना स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको पूरे पेज में अच्छे राइटिंग से लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, बाय.